इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी वर्सेस GTA 3 वर्सेस रोप हीरो 2। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 वॉकिंग। इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में हमारा कैरेक्टर एक सीधे साधे आदमी की तरह चलता है, तो GTA 3 में हमारा कैरेक्टर डोंट की तरह चलता है, एकदम रूबाब में। तो रोप हीरो 2 में हमारा कैरेक्टर एक छोटे बच्चे की तरह चलता है, जैसे वो चलता हुआ कह रहा हो, पॉइंट नंबर 2 क्लाइंबिंग। तो दोस्तों इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार ऊपर चढ़ता है, एकदम इंसान की तरह। ओ ओ ओ खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों GTA 3 में हमारा कैरेक्टर को हम दीवार पर चढ़ा ही नहीं सकते, इन दोनों से उल्टा। रोप हीरो 2 में इतनी भी दीवार ऊंची क्यों न हो, हमारा रोप हीरो झट से मकड़ी की तरह ऊपर चढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 3 फाइटिंग। इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में दोस्तों सिंपल फाइट देखने को मिलती है, देखो उससे उल्टा। दोस्तों GTA 3 में थोड़ी सी सिनेमैटिक फाइटिंग देखने को मिलती है, और इससे उल्टा दोस्तों रोप हीरो 2 में सिनेमैटिक और बहुत ही बढ़िया फाइटिंग देखने को मिलती है। फिलहाल दोस्तों इन तीन गेमों में से आप लोगों को कौन सी गेम अच्छी लगती है कमेंट जरूर करना। पॉइंट नंबर 4 कार हाईजैक। इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में हमारा कैरेक्टर गाड़ी को कुछ इस प्रकार छीनता है। तो GTA 3 में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार। तो अब बारी है रोप हीरो 2 की। चलो रोप हीरो जल्दी अपना कमाल दिखा। यहाँ तो दोस्तों ये आदमी तो अपने आप ही दरवाजा खोल के नीचे बैठ गया यार, जैसा वो निकल के कह रहा हो आई सरेंडर। नंबर 5 रन। तो इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में हमारा कैरेक्टर ऐसे रन करता है, इससे उल्टा GTA 3 में हमारा कैरेक्टर ऐसे रन करता है जैसे साइकिल को पैडल मार रहा हो। रोप हीरो 2 में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार रन करता है। पॉइंट नंबर 6 स्विमिंग। तो इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार स्विमिंग करता है। GTA 3 में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार स्विमिंग करता है। और भाई साहब इस कैरेक्टर को तो स्विमिंग करना ही नहीं आता, अरे भाई ये तो डूब रहा है यार, अरे ये तो मर गया यार। तो रोप हीरो 2 में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार स्विमिंग करता है। पॉइंट नंबर 7 कार से जंप। तो इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार जंप करता है। ओ भाई ये तो मर जाएगा शायद, और भाई इसमें थोड़ी सी ताकत बच चुकी है, ये फिर से उठ चुका है। तो दोस्त GTA 3 में हमारा कैरेक्टर जल्दी गाड़ी से नीचे जंप कर ही नहीं सकता, इसे उल्टा दोस्तों रोप हीरो 2 में हमारा कैरेक्टर कुछ इस प्रकार जंप करता है। पॉइंट नंबर 8 मिशन। तो दोस्तों इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में एक भी मिशन देखने को नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ मोड देखने को मिलते हैं। इससे उल्टा दोस्तों रोप हीरो 2 में भी मिशन देखने को मिलते हैं और GTA 3 में भी मिशन देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 9 रिलीज। तो इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी 28 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ था, तो GTA 3 17 दिसंबर 2011 को, तो रोप हीरो 2 12 सितंबर 2022 को। पॉइंट नंबर 10 स्पेशल फीचर। तो दोस्तों इंडियन बाइक ग्रैंड थ्री डी में एक स्पेशल फोन देखने को मिलता है, जिससे दोस्तों हम कुछ भी मंगा सकते हैं और दोस्तों उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ इसकी ग्राफिक भी दोस्तों बहुत बढ़िया है यार। उल्टा दोस्तों GTA 3 में भी चीट कोड देखने को मिलते हैं, पर दोस्तों उसे डायल करने के लिए हमें यहाँ पर एक सेपरेट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, और साथ साथ दोस्तों इसकी ग्राफिक भी थोड़ी सी। इससे उल्टा दोस्तों रोप हीरो 2 में इसकी रोप ही स्पेशल फीचर है, और इसके साथ साथ दोस्तों हमें यहाँ पर परचेस करने पर ट्रांसफॉर्मर वगैरह वगैरह यहाँ पर कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं। और तो और दोस्तों यहाँ पर रोप हीरो की गर्लफ्रेंड आर्टिका भी देखने को मिलती है। ये बात है और